नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हाजीपुर न्यूज टुडे। खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिला परिषद से जुड़ी। जी हां, जिला परिषद में 4 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लगने जा रहा है, यानी जो जिला परिषद अध्यक्ष है उसके खिलाफ 4 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लगने जा रहा है, ये खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। और ये सच्चाई भी है कि 4 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लगेगा, लेकिन आपको उससे पहले एक बात आपको और बता दूं कि 4 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव के लिए जिले में जो उठा पटक थी, जिला परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद के मेंबर में जो उठापटक थी वो शुरू हो गई है, यानी जो खेल 2 साल पहले खेला गया था वो खेल फिर से शुरू हो गया है। और आपको ये भी बता दूं, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर मुझे आई है और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिला परिषद के लगभग कई सारे सदस्य, लगभग मैक्सिमम में कहे कि 20 से 25 से ज्यादा सदस्य, वो सब ट्रेवलिंग में निकले हैं, घूमने के लिए निकले हैं और दर्शन करने के निकले हैं। ये सूचना आ रही है कि दर्शन करने के लिए ये लोग निकले हैं तीर्थ स्थल पे, यानी जो खेल होता है जिला परिषद का वो खेल चालू हो गया है और दर्शन करने के लिए ये लोग निकले हैं। कई तस्वीर भी आ रही है जहां पे आपको दिखाई देगा, आपको आप फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जिला परिषद के सदस्य लोग कहीं ना कहीं मंदिर में घूम रहे हैं, दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दर्शन इसी मंथ में क्योंकि आप क्यों हो रहा है, आपको बता दें कि जिला परिषद का 4 तारीख को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाना है और इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसमें जो फिर से लड़ाई वही चालू होगी, यानी वो फिर से वही सिस्टम होगा। और आपको बता दें कि एक जिला परिषद जो पिछले बार 2 कैंडिडेट थे जिसमें एक ने बाजी मारी थी, वो थे रमेश चौरसिया जो अध्यक्ष बने थे और दूसरे सेकंड नंबर पे थे जिला अध्यक्ष दीपू, वो दूसरे नंबर पे थे, उनके पास भी वोट बैंक था। तो अब ये 2 कैंडिडेट में कौन 2 कैंडिडेट जो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, यानी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और कौन आएगा, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि 4 तारीख को जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ कौन अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। लेकिन आपको ये भी जानने में आपको कि सभी लोग घूमने के लिए निकल चुके, वो खेला सिस्टम चालू हो गया है और जो बात होती है वोटर से, इसमें वोटर से कोई मतलब नहीं, जिला परिषद अध्यक्ष जो भी सदस्य है, जो एक से लेके जितने भी सदस्य है जिला परिषद के पूरे वैशाली जिले में, उन सभी को कहीं ना कहीं जो भी अपोनेंट में है या जो अध्यक्ष है वो सबसे मिलना जुलना, ये गुप्त सूचना आ रही है कि सबसे मिलना जुलना बातचीत एकदम शुरू हो गया है। किसी तरह से अध्यक्ष भी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं कि किस तरह से सत्ता बचे, उसके लिए भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, ये भी सूचना आ रही है। और जो उनकी अपोनेंट, जो उनके प्रतिद्वंदी है वो लगे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि 4 तारीख को कुछ अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाएगा, उसके बाद जो खेला होगा, यानी उसके जितने दिन बाद, लगभग 10 से 15 दिन का समय होता है, 15 दिन के बाद जब इलेक्शन होगा तो उसमें क्लियर होगा कि कौन अध्यक्ष पद पे बनेंगे, यानी जो अध्यक्ष पद पे अभी बने हुए हैं वो बने रहेंगे या अध्यक्ष पद पे कोई नया चेहरा आएगा, वो भी देखना बाकी होगा। यानी 2 साल अध्यक्ष रहने के बाद फिर से अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि वैशाली प्रखंड में भी प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वहां भी लोग अपने अपने कैंडिडेट, यानी जो पंचायत समिति थी वो सभी पंचायत समितियों को लेकर कहीं ना कहीं घूमने निकल गए हैं। तो ये बड़ी खबर है कि पूरे जिले में आप मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे जो भी पद है, प्रमुख उप प्रमुख सभी जगह, लगभग कई जगह चुनाव भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि कई जगह चुनाव भी हो चुके हैं और कई जगह चुनाव होना बाकी है। तो हर जगह यही खेल सिस्टम शुरू हो गया, यानी फिर से जो खेल होता है पैसों का खेल होता है, कैंडिडेट को खरीद बिक्री का खेल होता है, वो चालू हो गया है। और उसके साथ साथ और ये सभी लोग अपने अपने सदस्यों को लेकर, अपने जो प्रतिनिधि है उनको लेकर कहीं ना कहीं ट्रिप पे निकल चुके हैं। तो ये ट्रिप का सीजन आ गया, ये जो 1 महीना होने वाला है वो पूरा 1 महीना ट्रिप का सीजन होने वाला है। और इसी 1 महीने के ट्रिप के सीजन में ये लोग एक जब रिजल्ट आएगा, चुनाव का वक्त आएगा, तब अपना अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। कोई अपना सत्ता बचा पाता है, पाएगा कि नहीं ये भी देखना होगा, या फिर कोई सत्ते पे नया रुख काबिज होगा ये भी देखना होगा। तो 4 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद का लगेगा, वो भी खबर हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद जब चुनाव होगी या फिर अविश्वास प्रस्ताव में कैंडिडेट आते हैं कि नहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि 3 दिन का हड़ताल है,
जिसमें सारे बस ट्रक एक जगह खड़े हो गए। तो यहां से तो बस से लोग निकले थे, लेकिन अब आएंगे कैसे क्योंकि लगभग लगभग सारा बंद हो चुका है 3 दिन बाद। और आज से, आज 2 तारीख हो गया है, तो कल 3 तारीख और 4 दिन यानी परसों अविश्वास प्रस्ताव लगना है। तो शायद अब बस से नहीं लेकिन ट्रेवल करके यानी ट्रेन से सभी को आना होगा और अपना अपना यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव के लिए खड़े होकर देखना होगा। तो देखते रहिए हाजीपुर न्यूज टुडे, आगे की खबर के लिए देखते रहिए हाजीपुर न्यूज टुडे।